हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि बरसात के दिनों में और व्रत के दिनों में खाई जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इधर मैंने ले लिए हैं बॉयल पोटैटोज़ और पीस, दोनों को ही मैंने एक साथ बॉयल कर लिया था और निकाल लिया है एक बॉल में। और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया कुछ कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, टर्मरिक पाउडर और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप जो भी मसाले डालेंगे आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिए। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इनको हम देंगे टिक्की की शेप। ये देखिए, मैंने इनको सभी टिक्कीज को राउंड शेप दे दी है। बिल्कुल आपको हथेली पर रखनी है और इसको शेप देनी है। बहुत आसानी से बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने ले लिया एक पैन, ये मैंने नॉनस्टिक ही पैन लिया है। इसको मैं टिक्कीज को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक एक टिक्की को अपने रख देंगे और आपको रखना है अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल लो, जिससे कि हमारी जो टिक्की है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और ऊपर मैंने इसको ऑयल से या फिर आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। मैंने कर दिया इनको ग्रीस और इनको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक ये एक साइड से हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको एक साइड से पकने दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इनका चेंज कर दिया है, इनको पलट देंगे धीरे धीरे सभी टिक्कीज को। ये देखिए कलर आने लगा है और जो हमारी टिक्कीज हैं वो लो फ्लेम पर बिल्कुल अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगी। फ्रेंड्स, बरसात के दिनों में आप पकौड़े तो बनाते ही हैं, ऐसे ही अगर आप टिक्की को भी ट्राई करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर ऐसी ही दिलचस्प रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से इनको अच्छे से सेक लिया है। इनको करारी होने तक तवे पर ही रहने दीजिए। जैसे ही आपको लगे आपकी टिक्की बिल्कुल रेडी है खाने के लिए तो आप इसको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। अभी मेरी टिक्की थोड़ी सी करारी नहीं हुई है तो अभी इस पर ही है तवे पे। तो देखिए फ्रेंड्स, टिक्की बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये टेस्टी बहुत बनती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आई थिंक सभी को बहुत पसंद आती है। चलिए देखते हैं अपनी टिक्की। हमारी टिक्की पीछे से भी अच्छे से करारी हो गई है। ये देखिए, दोनों साइड से हमारी टिक्की बहुत अच्छे से पक गई है। गाइस, ये मैंने इसको शैलो फ्राई किया है इसलिए कॉर्नर से ऐसा है, अदरवाइज आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इधर मेरी टिक्कीज हो गई है रेडी, तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। ये निकाल ली है मैंने सभी टिक्कीज को, प्लेट पे निकाल लिया है और साथ में मैं इधर धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।